देखिए गाइस, छोटी सी क्लास कि जब हम स्टेट ऑफ पोजीशन पोजीशन है और पोजीशन के अंदर अगर हमें कोई टाइम लगाना हो और ये टाइम ऐसा हो कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक के बारे में बात हो, प्रेजेंट तक, तो यहां पर सीन क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पर कि एक व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे पास एक, लेट्स से कि मेरे पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप है तो है, तो मेरे पास अगर प्रेजेंट में लैपटॉप है, लेट्स से कि यहां पर एक लड़का है और वो कह रहा है कि जी मेरे पास एक लैपटॉप है। इसके अंदर कोई टाइम मेंशन नहीं है कि वो लैपटॉप उसके पास कब आया, कब से है, तो इसकी इंग्लिश बहुत ही साधारण होती है कि आई पोजीशन के लिए हैव लगता है और जो सामान हमारे पास है हम दिखा देते हैं आई हैव अ लैपटॉप। यहाँ तक सबको पता है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा, ठीक है फिर से शेयर कर दो। अभी शायद दिखेगा, रुकिए। किसी को दिखा स्क्रीन? विजिबल सर। यस विजिबल, यस सर। तो अगर मेरे पास एक लैपटॉप है तो आई हैव अ लैपटॉप। मैं बोलूं कि भाई लेट्स से कि सीमा नाम की लड़की है और सीमा के पास एक मोबाइल फोन है, तो मैं क्या बोलूंगा? सीमा हैज बोलूंगा, सीमा हैज अ मोबाइल मोबाइल फोन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक इसी सेंटेंस को हम कुछ ऐसा दिखाते हैं कि पास्ट से प्रेजेंट तक है। मेरे पास लैपटॉप है लेकिन मेरे पास एक लैपटॉप लेट्स से कि 2012 से है, तो आपने क्या दिखा दिया? ये लैपटॉप है। आपने ये भी बता दिया कि पास्ट में किस ईयर में लैपटॉप आपने खरीदा था और इस पॉइंट से लेकर अब तक आपके पास ये लैपटॉप है, यही दिखाना चाह रहे हो ना, है कि नहीं? देखो इस पॉइंट से लेकर अब तक। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है का यूज करना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज, यस और नो? लगता है ना प्रेजेंट परफेक्ट में? यस सर। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे कि अगर मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव ईटन फूड, याद तो होगा, ये सब तो अपने बचपन में सीखा होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसी प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पर हम मेरे पास 2012 से लैपटॉप है उसको डालेंगे। तो देखो सब्जेक्ट है मेरे पास, तो मैंने आई कर दिया और आई करते हमें प्रेजेंट परफेक्ट है तो एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब सूट करेगा? हैव। ये हेल्पिंग वर्ब पोजेशन नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का अपना एक हेल्पिंग वर्ब है, ये लगाना है, आपकी मजबूरी है, ये आपको लगाना है आई हैव। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपने लगा लिया, अब आपको क्या लगाना है? देखो रूल क्या कह रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आपका जो पोजेशन का जो वर्ब है वो पोजेशन का वर्ब क्या है? वो भी तो हैव है ना बेचारा, हैव है। तो इसका जब हैव का थर्ड फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। तो आपको यहां पर हैड बोलना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास भाई? लैपटॉप है, अ लैपटॉप। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों टेंस अपने साथ फॉर और सिंस लेते हैं जरूरत पड़ने पर। तो आपको दिखाना है 2012 से, तो 2012 के लिए सिंस लगता है, क्या है से? सिंस 2012। अब सेंटेंस बनकर क्या तैयार हो गया? आई हैव हैड अ लैपटॉप सिंस 2000। किसी के मुंह से अगर ऐसा निकल गया कि यार आई हैव और यहां उसने बीन लगा दिया, यहां भी वो सही है, वो थर्ड फॉर्म लगा रहा है, लेकिन वो गलती से गलत थर्ड फॉर्म लगा दिया, उसने बोले आई हैव बीन अ लैपटॉप सिंस
2012। बीन का मतलब ये हो गया कि हेड का मतलब पोजीशन हो गया, ये उसके पास को दिखाता है, और बीन का मतलब है कि ये बंदा खुद कुछ हो गया है। जैसे वो बीन बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि ये जो आई नाम का व्यक्ति है ना, खुद एक लैपटॉप है, इंसान नहीं है ये, किसी ने जादू कर दिया, ये खुद लैपटॉप 2012 से अभी लैपटॉप के रूप में है, लोग आते हैं बटन दबाते हैं, इसको चलाते हैं, यूज़ करते हैं, छोड़ देते हैं, बंद करके चार्ज करके चले जाते हैं। तो क्या आप ऐसा बोलना चाहेंगे? सोचिए, बोलना चाहेंगे है ना। तो अब अगर मान लो कि पूनम कहती है कि गाइज लिसन टू मी, आई हैव बीन मनी, मैं पैसा हूँ, दो साल से मैं पैसा हूँ, तो क्या ये उचित लग रहा है कि एक इंसान कह रहा हो कि मैं पैसा हूँ दो साल से? नो सर। तो लॉजिकल हुआ ही नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो उसे क्या कहना चाहिए? मेरे पास पैसे हैं दो साल से, आई हैव हैड मनी फॉर टू इयर्स, ये करेक्ट हुआ। तो यहां पर दो मुख्य बातें मैं लिख देता हूं कि जब स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर सेंस फॉर लगाने का आपको मौका मिलता है तो याद रखना उसमें आपको क्या लगाना होता है, हैव बीन और हैज बीन, और जब स्टेट ऑफ पोजेशन में आपको सेंस और फॉर लगाने का मौका मिलेगा तो यहां बीन नहीं, यहां क्या होगा, have had और has had। अगर ये अंतर पता हो तो अभी हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। आप बताइए कि मेरे पास ये साइकिल 5 साल से है। I have had ये वाली साइकिल, this cycle for 5 years. और to your surprise, I would like to tell you that if you turn the same sentence into past, some people might get shocked कि मेरे पास वो लैपटॉप 5 साल से थी, I had that laptop for 5 years. समझ में आया कि शॉक में ही हो, आ गया ना, वैसे तो आई क्या होगा। यस सर, अंडरस्टैंड। अरे क्यों? क्योंकि जब प्रेजेंट वाला प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा तो पास्ट वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो पास्ट परफेक्ट का भी तो हेल्पिंग वर्ब होगा ना अपना बॉस, वो क्या होता है, हैड होता है, और यहाँ पर V3 ले रहा है तो V3 तो हैड होगा। ये क्लियर है बाकी लोगों को? सर ऐसे दो बार बोलना पड़ेगा, आई हैड हैड ऐसे? यस यस, दो बार बोलना पड़ेगा। सर आप इसका एक बार हिंदी में ट्रांसलेशन बताइए। आई हैव हैड, हिंदी में ही तो बताया है कि मेरे पास तो 5 साल से थी। देखो ये देखो, मेरे पास ही लैपटॉप 5 साल से था, राइट? हाँ, लैपटॉप महिला है ना, ठीक कर दो। ओके, मेरे पास ही लैपटॉप 5 साल से थी, फीमेल है लैपटॉप। चलो ऐसे देखो, लेट्स से कि आप ऐसा बोलो कि चिंटू को 2 दिनों से बुखार था। से पर ध्यान देना, जब भी से आ जाएगा तो समझ लो कि प्रेजेंट है, तो हैव बीन हैज बीन या हैव हैज, मतलब हैव हैड हैज हैड, और पास्ट है तो हैड बीन हैड 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 हैड, ऐसे चला जाता है। चिंटू को 2 दिनों से बुखार था। अगर मैं यहाँ टाइम नहीं लगाता, एक कॉमन सेंस देता हूँ, मैं सीधा बोलता चिंटू को बुखार था, ये मैं हटा देता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, नॉर्मल होती है ना, चिंटू हैड फीवर, चिंटू हैड फीवर, हैड फीवर, सबको पता है ना। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई चिंटू को 2 दिनों से बुखार था, तो इसे बोलना पड़ेगा हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट, हैड हैड जी। तो पास्ट परफेक्ट का पहले स्ट्रक्चर देख लो, अपने आप कॉमन सेंस आ जाएगा। एक सब्जेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में एक हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। कभी तो सुना होगा डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, सब सुना तो होगा ही, सुना होगा ना? यस सर, यस सर, वही है। जैसे कि मैं ऐसे बोलूं कि यार
रोगी मर चुका था. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर बिफोर द डॉक्टर केम. इतना बड़ा सेंटेंस होता है ना, तो हमने उसका ये वाला उठाया है. द पेशेंट हैड डाइड. देखो ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, डाइड थर्ड फॉर्म है. हमने बस इतना वाला हिस्सा उठाया है, ये बिफोर वाला नहीं उठाया. तो अब इसी पर हम बनाएंगे कि चिंटू के पास, चिंटू को दो दिनों से बुखार था. तो चिंटू, अब मुझे यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैड मैंने लगा दिया. अब मुझे यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. तो पजेशन का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हैव होता है. पजेशन मतलब पास. और जब इस पजेशन का ही थर्ड फॉर्म करना हो तो क्या हो जाएगा, हैड. यानी कि जब भी मैं यहां थर्ड फॉर्म बोलूंगा पजेशन का तो हैड होगा. और यहां ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब हैड है और मुझे एक और थर्ड फॉर्म दिखाना है, ये हैड है. अब दोनों एक जैसे दिखते हैं तो इसमें किसी का कोई किसी की गलती नहीं है. दिखते हैं तो दिखते हैं भाई, समझ लो ट्विंस है घर में, क्या कर लोगे, मार दोगे. तो चिंटू हैड हैड क्या था भाई, बुखार है और फीवर. कब से था, फॉर टू डेज. ये हो गया, कहानी बनकर तैयार है, एकदम करेक्ट इंग्लिश है. कोई काट कर दिखा दे, कोई नहीं काट सकता है. ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको टेंस पे दिखाता हूँ. अभी जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे अंग्रेजी में तो देखोगे कि अंग्रेजी में जी कि हैव जो है, अभी तो आप हैव को पोजीशन कर रहे हो, लेकिन आपको पता है ना कि हैव खाना पीना में भी आता है, पता है ना, खाना yes, sir, नहाना, सीट बात, रोमांस, कन्वर्सेशन, तो इसमें आता है. ईटीसी करता हूँ. जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो बोलता हूँ ना आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, सुना तो होगा ही, है ना. यस सर. कल मैं नहा रहा था, आई वॉज हैविंग अ शावर यस्टरडे, शावर ले रहा था, है ना. ओके, मैं तुमसे चैट करना चाहता हूँ. I want to have a chat with you, you know? Chat with you. मैंने कल fun किया. I had fun. Had fun yesterday. ये सब ठीक है. अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ. इसको मैं present perfect tense पे करके दिखाता हूँ. Present perfect tense. अगर मैं कहता हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, एक नॉर्मल इंग्लिश पहले लिखता हूं, I have had food. रुक जाओ, I have eaten food. नॉर्मल इंग्लिश, ओके सर. ईटन से सबको समझ में आ गया. लेकिन अगर मैं बोलूं कि खाने की इंग्लिश आजकल हैव हो रही है, तो आई, ये हैव तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है. अब मुझे खाने के लिए भी हैव चाहिए, तो उस हैव का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगा, had. तो आई हैव हैड फूड. अब मैं इसको ले चलता हूं आपको पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर. अब मैं यहां पर कहता हूं कि भाई मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड. अब मैं ईटन को चेंज कर रहा हूं, तो ये आई, ये हैड, ये हैड मेरा हेल्पिंग वर्ब और ये हैड मेरा थर्ड फॉर्म. तो आई हैड हैड फूड. कौन काटेगा, काट के दिखा दे. मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूं, किसी में दम है काट के दिखा दे. काट सकता, कैसे काट दोगे, सच्चाई को काट दोगे, इम्पॉसिबल है. जो सत्य है वो सत्य है, कोई रोक नहीं सकता इसे. तो अब ऐसी इंग्लिश आपने कभी नहीं बोली क्योंकि आपको नौबत नहीं आई, आपको ये अटपटा लगा, ऐसा ये तो कुछ भी नहीं है. जिस दिन आप कंडीशनल थर्ड सीखोगे ना, सुना तो होगा, सुना है कभी, कंडीशनल थर्ड भी होता है. यस सर. और उसका जब स्टेट ऑफ पजेशन जिस दिन सीखोगे, बोलोगे अगर उस दिन मेरे पास पैसे होते तो मैं वो कार खरीद चुका होता, तो कैसे बोलोगे पता है, इफ आई हैड हैड मनी मनी दैट डे आई वुड हैव बॉट I would have bought that car. ये क्या करोगे, कब तक बचोगे कब तक बचोगे, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी. ठीक है जी सर. इसको कैसे बोलेंगे कि उसने अपने बर्थडे का केक दो दिन पहले ऑर्डर कर रखा था. वो तो नॉर्मल, he had already ordered. ऐसे भी कह सकते हैं, he had ordered his birthday cake 2 days ago. ऐसे भी कह सकते हैं. अगर आपको दिखाना कि पहले ही, दो दिन पहले ही कर दिया था, तो आप हैड से भी दिखा सकते हो, पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हो. और कई लोग नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देते हो, सेकेंड फॉर्म में बोल देते हैं, यार ही ऑर्डर्ड हिज केक 2 days ago. वो नॉर्मल भी कह सकते हैं. ओके, उसमें टुडे को यूज कर सकते हैं, ही ऑर्डर्ड हिज बर्थडे. हां बिल्कुल कर सकते हैं. अगर मैं हैड नहीं भी लगाऊं, मैं पास्ट इंडेफिनिट में भी इसको कह सकता हूं, फुल अलाउड. He ordered his birthday cake 2 days ago.
पास्ट परफेक्ट सिचुएशन होता है कि ये होने से पहले ही हो गया था ना, ये फीलिंग आती है तब लगाते हो, हम कभी सीखेंगे ना, अभी छोड़ो। तो अब एग्जांपल देख करके फिर से आप लोगों को रिज्यूम करता हूँ। तो देखो, मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, और मेरे पास दो दिनों से पैसे थे, आई हैड हैड मनी फॉर टू डेज। क्लियर? मेरे पास, यस सर, हाँ, मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक, और मेरे पास दो दिनों से एक बाइक है, आई हैव हैड अ बाइक फॉर टू डेज। उसी तरीके से मैं लिख देता हूँ, किसी भी बीमारी, बीमारी का नाम, किसी बीमारी का नाम स्टेट ऑफ पजेशन में दिखाया जाता है। यानी कि अगर कोई कहता है कि लेट से कि सपना को बुखार है, तो बुखार एक बीमारी का नाम है कि नहीं है, है ना? तो बीमारी का नाम मतलब बुखार, मतलब फीवर, टीवी, कोल्ड, कैंसर, एड्स, जो भी है, ये सब बीमारी के नाम है। तो अगर किसी को ये बीमारी है तो उसको आप स्टेट ऑफ बीइंग में दिखाओगे कि पजेशन में दिखाओगे? सोचो क्या लिखा है मैंने, पजेशन में दिखाओगे। तो अगर सपना को बुखार है, हम कोई टाइम नहीं लगा रहे, तो हम ऐसे बोलते हैं, सपना हैज अ फीवर, हम ऐसे बोलते सपना हैज अ फीवर। कई लोग सोचेंगे मैं ए क्यों लगा रहा हूँ, ग्रामर ए मानता है, आप स्पोकन में नहीं बोलते हो अलग बात है, ग्रामर नहाने में भी ए बोलता है, हैव अ बाथ, सुना कभी, हैव अ बाथ, अ फीवर में भी अ लगता है, शी हैज अ फीवर, बोलने में अटपटा लगता होगा, बट मैं लिख रहा हूँ इसलिए सही से लिख रहा हूँ जी। अब मैं कह रहा हूँ कि सपना को हर बीमारी के साथ ए लगेगा, बुखार में भी है, खांसी, कोल्ड, बाकी मैं लिस्ट भेज दूंगा, कोल्ड, सरदर्द में भी है, इसमें भी है, डेंगू, डेंगू, मैं वैसे लिख दूंगा, एक लिस्ट दे दूंगा आपको, डोंट वरी। अच्छा देखो, सपना को स्पोकन में मत बोलो, स्पोकन में कोई कहाँ ही बोलता है, मैं लिख रहा हूँ ना, तो जैसे कोई कॉपी चेक कर ले, मान लो आपका बोले कैसा टीचर है, ए नहीं लगाए, होते ना कुछ लोग तो इसलिए मैं लगा करके ही लिख रहा हूँ। सपना को, अब मैं टाइम लगाऊंगा, सपना को बुखार है, बट सपना को मान लो कि पांच दिनों से बुखार है, पांच दिनों से बुखार है। तो अब मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लूंगा, तो मैं सपना लिखूंगा, तो सपना के साथ पहले एक हैज लिखूंगा ना, एक हेल्पिंग वर्ब, तो ये हैज मेरा प्रेजेंट परफेक्ट वाला हैज है, सपना हैज। अब मैं पजेशन का जो थर्ड फॉर्म लिखूंगा वो क्या होगा, हैड हो जाएगा। तो सपना हैज हैड अ फीवर फॉर फाइव डेज, ये है एकदम करेक्ट इंग्लिश, कोई इसको काट नहीं सकता, बट बहुतों को नहीं आता है तो लोग नहीं बोलते। इतना तामझाम कौन पालेगा, दो दो बार कौन लगाएगा, नहीं पता उनको, नहीं बोलते।